आपका प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? आज जो आप लोगों को हम जनता को जो प्रेस वार्ता करने के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि विधानसभा रामनगर में मैं आजाद समाज पार्टी से काशीराम की पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ जी। और मैंने जो है आम आदमी पार्टी में लंबे समय से संघर्ष किया। पिछले 9 साल से मैं आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष रहा, पार्टी की सेवा करते रहे। लास्ट में मेरा टिकट कट गया और बाद में मुझे रामनगर का टिकट इस पार्टी से दिया, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। और इस वार्ता का विषय यह है कि मैंने एक PIL जी यानी याचिका एक कर रखी है कोर्ट में। उसका विषय यह है कि जैसा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार होता यह है कि हर प्रत्याशी अपने अपराधी की इतिहास को जो है अपने एफिडेविट के माध्यम से चुनाव टीम को और जिला प्रशासन ऑब्जर्वर को प्रेषित करे और उस पर एफिडेविट में अपने जिस आपराधिक मुकदमे में मैं खुद इन्वॉल्व हूँ उसका मुकदमा संख्या 1120/2020 का मुकदमा है। उसमें 4 धाराएं हैं। उन धाराओं में जो है आम आदमी पार्टी से जो प्रतिनिधि रामनगर में धर्मवीर सिंह लड़ रहे हैं उनके मुझसे समेत कई लोग उसमें आपराधिक मुकदमे में दर्ज हैं और जिसकी चार्जशीट जो है दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जो है इस बात को उन्होंने गुमराह होकर झूठा शपथ पत्र बनवा लिया। झूठा शपथ पत्र उन्होंने आरओ रिटर्निंग अफसर को दिया है रामनगर को दिया, जिसमें मैंने अपना तो इतिहास पूरा ब्यौरा दिया, लेकिन उन्होंने मैंने देखा कि बाद में संध्या काल में जो उन्होंने एफिडेविट प्रकाशन के लिए बाहर चपकाई उसमें उन्होंने आपराधिक गोले में दिखाया कि मेरे कोई मुकदमा नहीं है। जिस तरीके से चार बार में बोली मायावती तो बसपा पार्टी में एक्स्ट्रा बूथ हो गई है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी जो पैसों लेकर के टिकट देती है, जो 8 साल तक पार्टी को बढ़ाया पाला पोसा बड़ा किया, उसका टिकट काट करके एक आयतित प्रत्याशी कर देती है कि क्या केजरीवाल जी भी मायावती की तर्ज पर गर्त में जाएगी, तुम्हारी क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो है जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है। मैं ये समझता रहा पिछले 9 साल से आम आदमी पार्टी की सेवा में, मैंने देखा कि ये विकास के मॉडल को लेकर के उतरी है दिल्ली में मॉडल है।